ये देखिए गाइस, यम्मी टेस्टी बेल और मिंट का शरबत और एक है बेल का शरबत सिंपल। तो देखिए बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगने वाला है ये। देखिए बेल को बूट एप्पल भी बोलते हैं, तो ये बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है, पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये देखिए बेल को हमने तोड़ लिया है, ठीक है, ये देखिए इस तरह से होता है। तो बिल्कुल हमने तोड़ लिया है और इसका हम बनाएंगे शरबत। ये हमारे हेल्थ के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इस ये पेट की जितने भी विकार होते हैं, पेट को ठंडक भी देता है, पेट में कुछ अगर दिक्कत है तो वो भी सही करता है, पेट सही कर देता है। तो देखिए थोड़ा सा ले लिया है हमने पानी और ले लिया है बेल। तो इसको हम ऐसे निकाल निकाल कर इसका जो पल्स है वो डालेंगे इसके अंदर सारा। तो ये सारा जो पल्प है डाल देंगे इसके अंदर और फिर हाथों की सहायता से इसको हम मैश करेंगे। देखिए इस तरह से मैश कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो हम हाथों की सहायता से इसको मैश करेंगे। और इसके अंदर जितने सीड्स हैं और रेसे हैं तो आप उनको निकाल सकते हैं, हाथों से ही निकाल सकते हैं। अगर हाथों से ना निकालना चाहें तो आप इसे छन्नी से छान लें। तो देखिए हम दिखाएंगे अभी, सीड्स इसके ज़रूर छान कर निकाल दें, क्योंकि सीड्स इसके बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं जो कि बेल का शरबत बर्बाद कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इस छन्नी ले लेंगे, देखिए हमारी छोटी छन्नी है तो आप अपने हिसाब से इसे छान लें। इस तरह से करते हुए बच्चों को अगर छान कर देंगे ना तो बच्चे पी जाएंगे आसानी से। तो इस तरह से छान करके हम इसे ले लेंगे। और ये देखिए वही जो सिकंजी हमने बनाई थी, सिकंजी मसाला, उसी को डाल करके पिछली वीडियो में हमने दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमने वही मसाला ऐड करके और आप इसमें जो बेल हमने छान कर रखा था वो ऐड कर देंगे। तो ये देखिए 2 मिनट में बनकर तैयार है हमारा बेल का शरबत, और इसको हम मिंट का शरबत भी बनाएंगे। तो ये देखिए पहले तो हमने सादा बेल का शरबत छान के ले लिया है, ये हमारा तैयार है। और ये देखिए अब हमने उसी तरह से ग्राइंडर में डालकर मिंट भी हमने ग्राइंड कर लिया। तो इसी तरह से हमने बेल का शरबत, मिंट वाला बेल का शरबत करके रख लिया है। तो ये देखिए 2 मिनट में बनकर तैयार है। आइस क्यूब डालिए और एकदम चिल, ठंडा ठंडा सर्व करिए। ये बहुत बहुत टेस्टी लगता है पीने में। और अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।